हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डेटा बैकअप एंड डेटा रिस्टोर के बारे में, और डेटा बैकअप और रिस्टोर से संबंधित बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे डेटा बैकअप का मतलब क्या होता है, हमें डेटा का बैकअप लेने की ज़रूरत क्यों होती है, डेटा का बैकअप हम किस स्टोरेज मीडियम पर लें, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि आपके मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और गौर से देखिए, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ ए डेटा बैकअप। अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा हमने स्टोर किया हुआ है उस डेटा की एक दूसरी कॉपी, एक सेकेंडरी कॉपी किसी अदर स्टोरेज मीडिया पर सेव कर लेना, यही हमारा कहलाएगा डेटा बैकअप। अब किसी भी कारण से अगर हमारे लैपटॉप में जो डेटा हमने ओरिजिनल रखा हुआ था वो डिलीट हो गया, या हमारे लैपटॉप की वो ड्राइव गलती से फॉर्मेट हो गई, वो फाइल हमने बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया, या हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ही क्रैश कर गई, हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही चोरी हो गया, बारिश में भीग गया, ख़राब हो गया, कोई भी कारण हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि हमारा जो डेटा था वो फिनिश हो जाए, डिलीट हो जाए, लॉस हो जाए डेटा का। तब हम जो बैकअप हमने कॉपी बना के रखा हुआ है दूसरे स्टोरेज मीडिया पर, वहाँ से उसको हम दोबारा अपने सिस्टम में लोड कर सकते हैं या रीस्टोर कर सकते हैं। यानी ओरिजिनल डेटा जो हमारे सिस्टम में है उसकी एक दूसरी कॉपी किसी दूसरे जगह पर, किसी दूसरे स्टोरेज मीडिया पर स्टोर करके रखना, ये हमारा कहलाता है बैकअप। और जब कभी हमारा ओरिजिनल डेटा ख़राब हो जाता है, डिलीट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उस बैकअप वाली ड्राइव से फिर हम फाइल को रीस्टोर करते हैं, यानी दोबारा कॉपी करते हैं ओरिजिनल जगह पर। तो ये हमारा टर्म कहलाता है बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपके सिस्टम में जो भी फाइल वगैरह आप क्रिएट करते हो, जो रिपोर्ट जनरेट करते हो, कोई वीडियो आप क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी आप जो नई एक्टिविटी करते हो, नई फाइल जनरेट करते हो, कभी कभी बहुत सारी फाइलें इतनी एनालिटिकल होती हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि बनाने में बड़ा टाइम लगता है, या कहीं से कोई फ़ोटोज़ आपने, कहीं आप टूर पर गए थे वहाँ की फ़ोटोज़ आपने रखी है, वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग रखी है, कुछ पुराने आपके जो फोर फादर थे, फोर मदर थी, उनकी आपने कुछ वीडियोज़ या फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। तो हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं कि अगर वो बाई मिस्टेक डिलीट हो जाए या गायब हो जाए तो दोबारा उन्हें पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बेटर है कि हम ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा की एक दूसरी कॉपी बनाकर रखें। एज अ पार्ट ऑफ अ डेटा बैकअप प्लान यू शुड कंसिडर द फॉलोइंग। यानी जब हम बैकअप लेना चाहते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर बैकअप प्लान होना चाहिए, और बैकअप प्लान बनाने के लिए हमें ये सारे पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे पहला हमारा जो पॉइंट है, अगर हम बैकअप लेने के लिए प्लान जनरेट कर रहे हैं, तो पहला हमारा पॉइंट है व्हाट डेटा टू बैकअप। यानी हमारे सिस्टम में जितने डेटा हैं क्या हम सबकी एक दूसरी कॉपी बनाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना पड़ता है कि किस डेटा का बैकअप हमें लेना है, यानी कौन कौन सी फाइलें या फोल्डर हैं जिनका बैकअप हम लेना चाहते हैं। दूसरा हम सोचते हैं कि कौन सा कंप्रेशन मेथड हम यूज़ करेंगे, डेटा को हम कंप्रेस करके उसकी कॉपी सेव करेंगे कहीं पर, या हम डेटा को उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही कॉपी पेस्ट के माध्यम से एक दूसरी कॉपी बना लेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट है हाउ ऑफन टू रन योर बैकअप। यानी बैकअप हम कब कब लेंगे, अगर बहुत सारा हम वर्क करते हैं तो हम रेगुलर डेली बेसिस पे बैकअप ले सकते हैं, वीकली बैकअप ले सकते हैं, मंथली बैकअप ले सकते हैं, या हम आवरली बैकअप भी ले सकते हैं कि हर 2 घंटे के बाद हम डेटा का बैकअप लें। ये डिपेंड करता है कि हम कितनी सारी नए डेटा क्रिएट कर रहे हैं, कितनी सारी नई फाइलों को हम जनरेट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, या कितने इंपॉर्टेंट डेटा हम रखते हैं अपने सिस्टम में। तो क्या बैकअप लेना है, कौन सा कंप्रेशन मेथड यूज़ करना है, और कब कब बैकअप लेना है, देन हम डिसाइड करेंगे What type of backups to run? Backup भी कई टाइप का होता है, वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर करके भी लिया जाता है, कॉपी पेस्ट करके भी लिया जाता है, तो हमें बैकअप का टाइप भी डिसाइड करना पड़ेगा,
और विंडोज़ में खुद का अपना बैकअप टूल होता है, आप उस विंडोज़ के बैकअप टूल की सहायता भी ले सकते हैं। एक्चुअल में बैकअप हमारा होता है रेगुलर बैकअप होता है, उसी के आगे से कंटिन्यू कर लेते हैं, तो ये हमारा बैकअप का एक टाइप ये भी होता है कि पूरा पूरा डेटा हम बार बार लेंगे या जितना बैकअप ले चुके उसके आगे से हम बैकअप लेंगे। नेक्स्ट हमारा है व्हाट काइंड ऑफ मीडिया ऑन विच टू स्टोर द बैकअप, यानी हम किस स्टोरेज डिवाइस में बैकअप लेंगे। हम सीडी में बैकअप स्टोर करेंगे, डीवीडी में करेंगे या पेन ड्राइव वगैरह में करेंगे, तो हमें मीडिया भी डिसाइड करना पड़ेगा। और लास्ट हमारा है वेयर टू स्टोर द बैकअप डेटा फॉर सेफ कीपिंग, जो हम बैकअप ले रहे हैं वो कहाँ पर हम स्टोर करेंगे, कहाँ पर हम रखेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाट डेटा शुड आई बैकअप, जैसे कि हम जानते हैं हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा होता है, तो किस डेटा का बैकअप हम लेंगे। इन जनरल यू शुड बैकअप एनी वर्क और डेटा दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजली। सम एग्जांपल्स आर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, डेटाबेसेस और फाइनेंशियल डेटा, कस्टमर डेटा एंड पर्सनल फाइल्स सच एज पिक्चर्स, म्यूजिक फाइल्स, ईमेल्स ईटीसी। यानी कुल मिला के बैकअप हम डेटा फाइलों का लेते हैं, यानी जो वर्ड पे हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, जो एक्सेल पे हमने स्प्रेडशीट क्रिएट किया है, जो कैमरे से हमने फोटो या वीडियो ट्रांसफ़र की, जो हमारी इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं, तो कुल मिला के हम बैकअप इंपॉर्टेंट डेटा फाइलों का ही लेते हैं। सॉफ्टवेयर का बैकअप रिकमेंडेड नहीं है, यानी जो एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, टैली हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो एप्लीकेशन हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, उनका बैकअप लेने की बहुत ज़रूरत नहीं है, ये सजेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन तो आपको बाद में मिल जाएंगे ना। सपोज दैट आपकी हार्ड डिस्क, आपके लैपटॉप की पूरी पूरी हार्ड डिस्क ही क्रैश कर गई, आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क क्रैश कर गई, हार्ड डिस्क फिजिकली डैमेज हो गई, उसका पूरा डेटा फिनिश हो गया। अब आप एक नई हार्ड डिस्क लगाते हो तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मार्केट में मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको मिल जाएगा, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सब आपको मार्केट में मिल जाएगा। क्या नहीं मिलेगा? जो फोटोज़ आपके उसमें सेव थी, जो आपने कुछ फाइलें क्रिएट किया था, ठीक है, जो वीडियो आपने क्रिएट किया था, तो जो डेटा आप क्रिएट करते हो वो तो मार्केट में मिल नहीं से रहा हो, तो आपने खुद जनरेट किया है। तो बेसिकली बैकअप हम डेटा का ही लेते हैं, प्रोग्राम या एप्लीकेशन का बैकअप नहीं लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसा प्रोग्राम अगर रेयर है, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है जो हमारा ओरिजिनल है, तो उसका हम बैकअप ले सकते हैं फिलहाल तो। हाउ ऑफन शुड आई रन माई बैकअप, हम अपना बैकअप कब कब लें, वो एक्चुअल में डिपेंड करता है कि हमारा डेटा कितना है, क्वांटिटी में है, कितना इंपॉर्टेंट डेटा है और कितना ट्रांजेक्शन हम करते हैं। द फ्रीक्वेंसी टू रन योर बैकअप डिपेंड ऑन हाउ ऑफन द डेटा चेंजेस। आप मतलब आप बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो महीने में डन होते हैं या 15 दिन बाद डन होते हैं, तो हमें उतने दिन के बाद बैकअप लेना पड़ेगा। पहला पॉइंट हमारा है बिजनेस डेटा दैट चेंजेस फ्रीक्वेंटली मे नीड डेली और आवरली बैकअप। जैसे कहीं पर बिलिंग हो रही है, बैंक वगैरह हो गया, डेली लेन देन हो रहा है, तो जहाँ पर ढेर सारे ट्रांजेक्शन पर डे हो रहे हैं डेली बेसिस पे, तो वहाँ पर हम डेली या आवरली यानी हर घंटे बाद भी बैकअप ले सकते हैं। Data that changes every few days might use a weekly or even monthly backup. यानी ऐसे केस में जहाँ पर डेटा बहुत बार चेंज नहीं होते हैं, जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, वहाँ पर हम हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार बैकअप ले सकते हैं। For some data you might run your backup whenever you make a change. यानी जब कभी हमें लगता है कि कोई नया डेटा हमने कॉपी किया, अब हमें बैकअप की ज़रूरत है, तभी हम बैकअप लेंगे, अदरवाइज बैकअप हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक यूटिलिटी या टूल की बात हो रही है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम बैकअप ले सकते हैं, ये विनजिप। विनजिप बैकअप अलाउ यू टू शेड्यूल योर बैकअप टू रन ऑटोमेटिकली एट स्पेसिफाइड टाइम्स सो दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर टू रन देम मैनुअली। हाउएवर यू मे वांट टू गेट इन द हैबिट ऑफ रनिंग सर्टेन बैकअप्स लाइक अ बैकअप ऑफ योर पिक्चर्स मैनुअली राइट आफ्टर यू एड अ न्यू फाइल। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम मैनुअल बैकअप ही लेते हैं, यानी जब भी हमें लगता है हमने कोई डेटा में चेंज किया है, डेटा को अपडेट किया है, तो हम दोबारा बैकअप ले लेते हैं,
आप चाहे तो ऑटोमेटिक बैकअप भी यूज़ कर सकते हो, वो रेगुलर टाइम के बाद अपने आप जो भी ड्राइव आपने सेट किया होगा उस पर बैकअप ले लेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्हाट काइंड ऑफ मीडिया शुड आई यूज एंड वेयर शुड आई स्टोर माई बैकअप, यानी जो स्टोरेज मीडिया है जिस पर हम बैकअप लेना चाहते हैं वो कौन सी होनी चाहिए। ये भी हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, डेटा कितने इंपॉर्टेंट है उस पर डिपेंड करता है। जो सबसे कॉमन कुछ स्टोरेज डिवाइसेज हैं वो सीडी है, जो अब यूज ही नहीं होती, अब डीवीडी यूज़ करते हैं। तो सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क या जो पेन ड्राइव आपका आता है, आप किसी भी मीडिया पर बैकअप ले सकते हो। सीडी या डीवीडी में बैकअप लेने का एक बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पर वायरस वगैरह का अटैक नहीं होता है, क्योंकि सीडी पर आमतौर पर डेटा उस तरीके से रीड या राइट नहीं होता जैसे कि पेन ड्राइव में होता है या हार्ड डिस्क में होता है। बहुत ढेर सारा डेटा है तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का भी यूज़ कर सकते हो। एक्सटर्नल यूएसबी हार्ड डिस्क आती हैं, 1 GB की, 2 GB की, 4 GB की, आप वहाँ पर भी बैकअप ले सकते हो। कीप इन माइंड दैट यू शुड नॉट स्टोर बैकअप ऑन द सेम हार्ड डिस्क ड्राइव एज द फाइल दैट यू आर बैकिंग अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी इसको बोल्ड किया हुआ है, मैं फिर आपको इंडिकेट कर देता हूँ। कीप इन माइंड दैट यू शुड नॉट स्टोर बैकअप ऑन द सेम हार्ड डिस्क ड्राइव एज द फाइल दैट यू आर बैकिंग अप। जैसे आपके सिस्टम में डी ड्राइव में कोई फाइल है, अब उसका बैकअप आप डी ड्राइव पे किसी दूसरे फोल्डर में ले रहे हो या उसी हार्ड डिस्क की दूसरी ड्राइव पर ले रहे हो, तो ये बहुत रिस्की गेम होता है। मान लीजिए डी ड्राइव पे आप कोई डेटा था उसकी एक दूसरी कॉपी बना के आपने ई ड्राइव पे ही रख लिया, लेकिन जब आपके सिस्टम में वायरस आएगा या आपकी हार्ड डिस्क फिजिकली डैमेज हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, तो सारी की साइड सारी ड्राइव चली जाएगी ना। तो ये बेटर होता है कि जो आपकी हार्ड डिस्क है जिसमें ओरिजिनल डेटा है, उस डेटा को आप दूसरे डिस्क में, दूसरी डिवाइस में आप बैकअप लीजिए। और ये भी होता है कि आप बैकअप की दो कॉपी बनाइए, दो अलग अलग पेन ड्राइव या डीवीडी में। एक बैकअप आप अपने वर्क प्लेस पर रखिए, जिससे कि आपको जब ज़रूरत पड़े आप आसानी से उसको यूज़ कर लो, और बैकअप की एक सेकेंडरी कॉपी बनाइए जो आप अपने घर पर या किसी अदर सेफ जगह पर आप रखिए। द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर स्टोरिंग बैकअप इज टू कीप अ कॉपी ऑफ द बैकअप फाइल्स ऑन साइट इन योर होम और ऑफिस फॉर इजी एक्सेस एंड ए कॉपी ऑफ साइट इन केस ऑफ फायर, फ्लड और अदर डैमेज टू योर लोकेशन विच कुड डैमेज और डिस्ट्रॉय द ऑन साइट बैकअप कॉपी। यानी डेटा की एक कॉपी आप अपने ऑफिस या घर पर रखिए जिससे वो ईजिली अवेलेबल रहे आपके लिए, और एक दूसरी कॉपी आप किसी अदर प्लेस पर रखिए। जैसे ऑफिस में आग लग गई, घर में आग लग गई, तो घर पे सारा सामान चला जाएगा, ओरिजिनल हमारा पीसी या लैपटॉप भी चला जाएगा, और जो उसी घर में एक बॉक्स के अंदर हमने पेन ड्राइव रखी वो भी हमारी डैमेज हो जाएगी। तो एक कॉपी बैकअप की, जो हमारी इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप कॉपी है, वो हमें अदर प्लेस पर रखना चाहिए। बैकअप एंड रिस्टोर इन विंडोज 10, ये तो मैंने आपको बैकअप बता दिया क्यों ज़रूरी होता है और क्या क्या हम प्लानिंग के समय डिसाइड करते हैं। अभी एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज दैट, देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ माई कंप्यूटर पर, इस पीसी पर, यहाँ पर डी ड्राइव में एक फोल्डर है हमारा आईसीटी। देखिए मैं जितने भी लेक्चर तैयार कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, उन सारे लेक्चर की वीडियो यहाँ पर रखी हुई है। यूट्यूब पर तो अपलोड मैं करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो हमारे पास कहीं और भी सेव हो जाए। तो सबसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके लिए आपको बहुत टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ये डेटा हमारा हमारे लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क लगी है उसके डी ड्राइव पर एक फोल्डर हमारा है आईसीटी। इस फोल्डर पे हम राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉपी। अब इसी में हमारे इस समय एक पेन ड्राइव कनेक्टेड है, देखिए ये हमारी यूएसबी ड्राइव है, ठीक है। इसी यूएसबी ड्राइव में हम क्या कर लेंगे, यानी पेन ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। अभी दिक्कत क्या है कि जो हमारी फाइलें हैं बहुत बड़ी हैं और हमारी पेन ड्राइव में स्पेस कम है, तो ठीक है मैं कोई दूसरा फोल्डर दिखा देता हूँ आप। जैसे एक मेरा फोल्डर है लाइव, है ना, इसमें बहुत सारी हमारी इंपॉर्टेंट इमेज वगैरह हैं। तो मैं ये फोल्डर राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और फिर मैं अगेन बैक जाता हूँ, और मैं ये हमारा जो पेन ड्राइव लगा यूएसबी ड्राइव, ये 8 GB की पेन ड्राइव है, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पर राइट क्लिक करके हमने पेस्ट कर दिया। मतलब जो हमारे इंपॉर्टेंट डेटा हैं उनको हम सीधे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हमारे सिस्टम के किसी भी ड्राइव में डेटा फोल्डर था
उस फोल्डर को हमने कॉपी किया और पेन ड्राइव में हमने पेस्ट कर लिया। ये हमारा फोल्डर आ गया। अब हम पेन ड्राइव निकाल के किसी अदर जगह पर रख देंगे। ये भी आपका बैकअप ही कहलाएगा, क्योंकि बैकअप का मतलब होता है ओरिजिनल डेटा की एक दूसरी कॉपी। दैट सिंपल। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन इसमें क्या नुकसान होता है कि अगर कोई आपकी पेन ड्राइव पा जाएगा तो जब उसको अपने सिस्टम में लगा के चेक करेगा तो वो सारी फाइलें उसको वैसे ही शो होंगी जैसे आपको शो होती हैं, क्योंकि सारी फाइलें अपने नेचुरल फॉर्म में हैं। एक तो ये तरीका हो गया बैकअप लेने का। अभी मैं इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देता हूँ, यानी खाली कर देता हूँ। चलिए, ये हमारी पेन ड्राइव अभी बिल्कुल टोटल एम्प्टी। आप देख लीजिए यहाँ पर यूएसबी ड्राइव में, आई ड्राइव में कुछ भी नहीं है, खाली है। एक तो मैंने आपको दिखाया कि आप सिंपल कॉपी पेस्ट से कैसे बैकअप कर सकते हो। दूसरा है आपका विंडोज, अगर आप यूज़ कर रहे हो विंडोज एक्सपी, विंडोज 10। मैं विंडोज 10 की बात कर रहा हूँ क्योंकि लेटेस्ट आपके सिस्टम में विंडोज 10 ही आएगा। तो विंडोज 10 में अगर आपको बैकअप लेना है तो कैसे लेंगे आप, देखिए आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, अपडेट एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे, बैकअप पे जाएंगे और ऐड अ ड्राइव ऐड करेंगे, यानी आप बैकअप किस ड्राइव पर लेना चाहते हैं। जब आप ड्राइव ऐड कर लेंगे देन आपको वो फाइल या फोल्डर सेट करना जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए हमने स्टार्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर ये सेटिंग मिल रहा है हमें। देखिए ये बॉक्स मिल रहा है चौकोर आपको, ये राउंड शेप में, ये सेटिंग पे मैंने क्लिक किया। जैसे हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लास्ट ऑप्शन हमारा है अपडेट एंड सिक्योरिटी पर हमने क्लिक किया। इस साइड में पूरा हमारा बटन बार आ गया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा है एक बैकअप, ठीक है, यहाँ हमने क्लिक किया। अभी देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैकअप हमारा है ऑफ है, इसको मैं चाहूँ तो ऑन कर दूँ या मैंने ऐसे ही क्लिक कर दिया मोर ऑप्शन पर। ये सबसे पहला काम क्या पूछता है हमें, ये ड्राइव ऐड करने को बोलता है। मैं ड्राइव मैंने पहले ही ऐड कर लिया था, मैं ड्राइव थोड़ा सा निकाल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और इसको मैं स्टॉप भी कर देता हूँ। अपनी ड्राइव पहले ही ऐड कर चुका था तो मैं इसको पहले स्टॉप कर देता हूँ इस ड्राइव को, ठीक है। चलिए मैं फिर से देखिए आपको बताता हूँ, हमने पहले पेन ड्राइव लगा दिया है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार फिर से कि जो मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट किया वो पेन ड्राइव अभी टोटल एम्प्टी है, इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ ये फोल्डर भी। अभी इसमें कुछ खास नहीं है, खाली है ये। अभी हमें कहाँ जाना है, स्टार्ट पर जाना है और सेटिंग पर जाना है। आप कभी ये सेटिंग भूल जाओगे, यहाँ पर सेटिंग है तो आप टाइप भी कर दोगे तब भी सेटिंग खुल जाएगा। सेटिंग पे आ गए हम, लास्ट ऑप्शन हमारा है अपडेट एंड सिक्योरिटी और यहाँ पर हमारा है बैकअप। सबसे पहला काम जो करेंगे हम ड्राइव ऐड करेंगे। ये एक्सटर्नल ड्राइव लगी होनी चाहिए, चाहे आपकी सीडी ड्राइव लगी हो चाहे पेन ड्राइव लगी हो। जैसे आप ऐड ड्राइव पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने एक पेन ड्राइव लगाई हुई है तो लिस्ट में वो पेन ड्राइव आ जाएगी। अभी देखिए आ गया ना, रिमूवेबल डिस्क आई 7.60 GB, यानी जो हमने 8 GB की पेन ड्राइव लगाई वो यहाँ पर शो हो गया। अगर दो पेन ड्राइव लगाया होता तो दो आ जाता। हमने इस समय एक पेन ड्राइव लगाया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो हमने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया कि जो बैकअप हम लेंगे वो कहाँ रहेगा, ऑटोमेटिक ऑन कर दिया है तो जो भी हम टाइम स्लैब लगा देंगे वो अपने आप बैकअप लेता रहेगा। तो पहला काम हमने कर लिया क्या कि हमने ड्राइव सेलेक्ट कर लिया। अब हम मोर ऑप्शन पर आते हैं फिर से, देखिए ड्राइव हमारा सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर देखिए है बैकअप ऑफ दीज फोल्डर्स, ये कॉमन से आपके जो करंट यूज़र नहीं होता है विंडोज में, आपने पढ़ा है यूज़र के अंदर कितने फोल्डर बने होते हैं, लिंक्स का डाउनलोड जो आपने किया है, फेवरेट फोल्डर, कॉन्टेक्ट फोल्डर, वन ड्राइव, ये तो अलग से मैंने किया है, डेस्कटॉप आपका जो हो गया, तो जो आपका करंट यूज़र है उसके वीडियो फोल्डर हो गए, ये सारे आ रहे हैं। इनके अलावा जैसे हम ऐड फोल्डर पर चलते हैं तो हमारा माई कंप्यूटर पूरा खुल जाएगा। हम ऐड फोल्डर में यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि डी ड्राइव पर, ठीक है ना, जो हमारे एग्ज़ाम नाम का फोल्डर है ये हमने चूज़ कर लिया, तो ये फोल्डर हमने चूज़ कर लिया बैकअप, इसका हमें लेना है। ऐसे आप बहुत सारा फोल्डर सेट कर सकते हो, ठीक है, और आप फिर कर दो बैकअप नाउ। तो जो भी आपने पेन ड्राइव सेलेक्ट किया हुआ है उसमें जो आपने फोल्डर सेलेक्ट किया उस फोल्डर का बैकअप वो पेन ड्राइव पे जनरेट कर देगा। अभी देखिए लिख क्या रहा है, बैकिंग बैकिंग अप योर डेटा,
ये विंडोज 10 का जो खुद का अपना बिल्ट इन फीचर है बैकअप ऑप्शन, उसका यूज़ मैं कर रहा हूँ बैकअप लेने के लिए। जहाँ पर मैंने सबसे पहले ड्राइव ऐड किया कि किस ड्राइव पर हमें बैकअप लेना है, देन हमने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया कि किस फोल्डर का बैकअप हमें लेना है। डी ड्राइव में जो एग्ज़ाम नाम का फोल्डर था उसका बैकअप यहाँ पर आ रहा है। एक्चुअल में ये सारा सिलेक्ट है, इस समय दिख रहा है आपको, सारे के सारे सिलेक्ट है। यहाँ पे हम रिमूव करना था हमें, क्योंकि जो करंट यूज़र होता है वो उसके सारे फोल्डर आ जाते हैं। म्यूजिक इसको भी रिमूव कर देते हैं, यहाँ लिस्ट में जितनी भी चीज़ें सबका बैकअप ले लेगा। जो हमें नहीं चाहिए उसको हम क्या कर देंगे, क्लिक करके रिमूव कर लेंगे। हमें एक्चुअल में एक ही लेना है डी के अंदर एग्ज़ाम, बाकी सबको मैं रिमूव करता जाता हूँ, यानी हमें इनका बैकअप नहीं लेना है। डेस्कटॉप का भी नहीं लेना है, सारे रिमूव करते जा। एक फोल्डर हमारा केवल है डी पे, जो एग्जाम नाम का फोल्डर है इसी का बैकअप हमें लेना था। अभी चलते हैं, आई थिंक ये बैकअप स्टार्ट नहीं हुआ। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो विंडोज 10 का बिल्ट इन फीचर, ये बहुत सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं है। देखिए ये फाइल हिस्ट्री इसने बनाना स्टार्ट कर दिया, देखिए ये बैकअप लेना स्टार्ट कर चुका है। जब आप विंडोज़, मैं आपको बता रहा था कि जो विंडोज़ का खुद का बैकअप फीचर होता है, ये बहुत प्रॉपर या बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, स्लो प्रोसीजर होता है, बहुत स्लो वर्क करता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये बैकअप लेने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर एक फोल्डर बन जाता है फाइल हिस्ट्री नाम से, और उसके अंदर आपकी सारी फाइलें बैकअप के रूप में बैकअप आती चली जाती हैं। खास बात यह है कि जब आप विंडोज़ का टूल यूज़ करते हो, बैकअप टूल यूज़ करते हो, तो जो फाइलें आपके बैकअप में आ रही हैं वो जनरली कोई ओपन करके पढ़ नहीं सकता है। जो आप कॉपी पेस्ट करके बैकअप बनाते हो वो थोड़ा सा ऐसे मोड में होता है जो इजीली पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे आपका सारा फोल्डर अलग अलग ऑर्गेनाइज रहता है। ठीक, तो ये देखिए पूरा बैकअप चल रहा है। अभी हम कैंसिल कर देते हैं, अब मैं आपको दिखा दूँ, मैंने आपको दिखाया था कि हमारी पेन ड्राइव टोटल एम्प्टी थी। ये मैं चलता हूँ पेन ड्राइव पर, और यहाँ पर फाइल हिस्ट्री के अंदर एक पूरा हमारा बैकअप बन गया है। ये तो बात हो गई बैकअप। सपोज दैट अब हमने पेन ड्राइव में बैकअप ले लिया है, और जो हमारा डी ड्राइव में फोल्डर था एग्जाम नाम से, वो बाई मिस्टेक डिलीट कर दिया हमने, ये फोल्डर हमारा डिलीट हो गया सपोज दैट, तो पेन ड्राइव में जो हमारा बैकअप लिया है उसे हम वापस कैसे यहाँ सिस्टम में लाएंगे, रिस्टोर कैसे करेंगे। आप ये विंडो बटन पर क्लिक करिए और टाइप करिए आप रिस्टोर फाइल, रीस्टोर फाइल। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका आ गया ना, रीस्टोर योर फाइल्स विथ फाइल हिस्ट्री, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सेस कॉपीज ऑफ योर फाइल्स अंटिल दिस इज कम्प्लीट दिस। ठीक है, एक्चुअल में बैकअप को मैंने आधे पे ही रोक दिया है, वरना हम जैसे ही यहाँ रीस्टोर पर आते जो हमारा कंप्लीट प्रोसेस था फाइल हिस्ट्री का, वो यहाँ पर लिस्ट में आ जाता, हम क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते और वो फाइल दोबारा हमारी क्या हो जाती, रीस्टोर हो जाती। ये जो हमारा बैकअप टूल था जो मैंने आपको दिखाया था सेटिंग पे और यूजर एंड सिक्योरिटी और बैकअप ऑप्शन। ठीक है, वो बैकअप एंड रीस्टोर विंडोज 7, अगर विंडोज 7 का कोई आपने बैकअप फाइल लिया है तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये है हमारा रीस्टोर, क्या है, सेलेक्ट अनदर बैकअप टू रिस्टोर। ये विंडोज 7 के मेथड से आप बैकअप कर सकते हो। एक और हमारा होता है क्रिएट अ सिस्टम इमेज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। सिस्टम इमेज का मतलब क्या होता है, हमारे सिस्टम में जो भी डेटा है उसका पूरा कंप्लीट इमेज बना लेगा। हमारे सिस्टम का अगर कंप्लीट डेटा भी इरेज हो जाता है तो हम इमेज वाली डिस्क लगा के सारा का सारा डेटा सेम एज इट इज रिस्टोर कर सकते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पर देखिए बोल रहा ना कि कहाँ का इमेज बनाना है, अन हार्ड डिस्क या वन और मोर ड्राइव। तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कंप्लीट हार्ड डिस्क की इमेज क्रिएट करना है या किसी एक ड्राइव का करना है। देखिए क्या लिखा है, ए सिस्टम इमेज इज द कॉपी ऑफ द ड्राइव्स रिक्वायर्ड फॉर विंडोज टू रन।
It can also include additional drives. A system image can be used to restore your computer if your hard disk drive or computer ever stop working. However, you cannot choose individual item to store. यहाँ पर आप अलग अलग फोल्डर सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको पूरा पूरा हार्ड डिस्क सेलेक्ट करना है या वन और मोर ड्राइव। देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी पूरी हार्ड डिस्क जितनी आ रही ना, ऑन ए हार्ड डिस्क, तो डी ड्राइव का बैकअप लेना है या सी ड्राइव का, जिसका भी इमेज बनाना है वो ले सकते हैं, और वन आर मोर डीवीडी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डीवीडी हमसे मांगेगा, ठीक है। यानी जो हम एक्चुअल में ये इमेज क्या है, जैसे आपका सिस्टम में विंडोज़ करप्ट हो गया, कुछ ऐसी चीज़ हो गई, तो आप इमेज से उसको वापस क्या कर सकते हो, रीबूट कर सकते हो। तो आप जो बना रहे हो वो हार्ड डिस्क पे लेना है, हार्ड डिस्क पे आपको इमेज क्रिएट करना है, या डीवीडी या पेन ड्राइव पे क्रिएट करना है, ये डीवीडी ही लेगा पेन ड्राइव नहीं ले रहा है, या नेटवर्क पे क्रिएट करना है, तो ये आपके विंडोज़ का या सिस्टम का इमेज क्रिएट कर लेगा। और जब कभी आपका विंडोज़ प्रॉपर वर्क नहीं करता है तब आप यहाँ से रिसेट कर सकते हैं, ये विंडोज़ का इमेज क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि आप कॉपी पेस्ट से भी बैकअप ले सकते हो, और विंडोज़ 10 में जो सेटिंग में आपका बैकअप टूल है यहाँ से भी बैकअप ले सकते हो। अभी दिक्कत क्या आती है, जब आप बैकअप लेते हो ड्राइव पर, जैसे आपने पेन ड्राइव में ही बैकअप लिया और पेन ड्राइव खो सकती है आपकी, पेन ड्राइव में वायरस आ सकता है, तो अब आप ऑनलाइन बैकअप भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बैकअप। और ऑनलाइन बैकअप जब आप लेते हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स होते हैं, जैसे सबसे पॉपुलर मैं कह सकता हूँ गूगल ड्राइव को। अगर आपकी जीमेल आईडी है तो गूगल ड्राइव को बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हो। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ऐसे ड्रॉप बॉक्स है, बडी बैकअप है, ए ड्राइव है, क्लाउड मी है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको ऑनलाइन बैकअप की सुविधा देती हैं। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि गूगल ड्राइव या वन ड्राइव पर हम कैसे ऑनलाइन बैकअप लेंगे। ऑनलाइन बैकअप लेने का कई बेनिफिट है। जो ऑनलाइन जो कंपनियां हैं, जैसे गूगल जैसी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं, अमेजन जैसी कंपनियां हैं, ये जो हमें ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं, ये सेफ भी होता है, यहाँ पर वायरस वगैरह जल्दी नहीं आता है। और ऑनलाइन बैकअप लेने का ये बेनिफिट है कि जहाँ कहीं भी हम हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हमारा पीसी हमारे साथ है नहीं है, पेन ड्राइव हमारे पास है नहीं है, क्योंकि बैकअप हमने ऑनलाइन रखा हुआ है, तो अगर वहाँ पर नेट कनेक्टिविटी है तो वहाँ पर हम अपने उस डेटा को वहाँ पर दूसरे सिस्टम पर रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे ईमेल आप अपना कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ईमेल आपका सर्वर पर होता है, तो जो बैकअप आपने ऑनलाइन लिया हुआ है उसको आप दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हो, बशर्ते वहाँ इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए आपको। तब अभी मैं दिखाता हूँ आपको मैं ऑनलाइन बैकअप कैसे लूँगा। नेट हमारा कनेक्ट है, मैं ओपन करता हूँ गूगल क्रोम। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया जीमेल अपना, मैं जीमेल अकाउंट अपना लॉगिन कर लेता हूँ। और जैसे जीमेल लॉगिन होता है, इस पर मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर है विंडोज़ टिप्स एंड ट्रिक्स है, उसमें आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये मैंने आप जीमेल लॉगिन कर लिया, ये जो आपको 9 डॉट दिख रहे हैं ना यहाँ पे कॉर्नर पर, देखिए इस पर जब क्लिक करेंगे तो गूगल के सारे टूल्स की लिस्ट आ जाती है। देखिए ये यहाँ पर हमें क्लिक करना है गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव गूगल कंपनी प्रोवाइड करती है आपको ऑनलाइन स्टोरेज या क्लाउड, जिसका नाम है ड्राइव, यानी गूगल ड्राइव। ये जीमेल आईडी से ही एक्सेस होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने जीमेल आईडी लॉगिन कर लिया अंसाल डॉट एमिटी वाली, और फिर मैं इस पर क्लिक करके गूगल ड्राइव पर क्लिक कर देता हूँ। अब ओपन हो गया हमारा गूगल ड्राइव। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारा बैकअप मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, ये मैंने कुछ फोल्डर बनाए हैं, ब्रांड एंड सोशल मीडिया, गूगल बज, गूगल एडवर्ड, ग्रोथ हैकिंग, ये सारे फोल्डर बने हुए हैं। और ये कुछ फाइलें हमने ऐसे बाहर देखिए बैकअप लिया हुआ है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि हम कहीं पर भी अपना जीमेल लॉगिन करें, यहाँ से गूगल ड्राइव पर आएँ, और ये सारा डेटा हम दुनिया के किसी भी कोने में एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पीसी में नहीं है, ये गूगल के क्लाउड पर है। अब देखिए बैकअप लेंगे कैसे, एक तो है कि हम यहाँ पर कोई भी फाइल जो हमारे सिस्टम में, हम ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दें, हम चाहते हैं वो अलग फोल्डर में आए, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम फोल्डर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फोल्डर, या हम सीधे फाइल अपलोड कर सकते हैं या सीधे फोल्डर अपलोड कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, डेस्कटॉप पर मेरी एक फाइल है, ये सी एस एस लिंक, क्या है सी एस एस लिंक, इसका मैं ऑनलाइन बैकअप लेना चाहता हूँ गूगल ड्राइव पर। ये गूगल ड्राइव हमारा ओपन है, मैं न्यू पे चलता हूँ, न्यू, और यहाँ मैंने फाइल अपलोड पर क्लिक कर दिया।
अब कहाँ चलना है हमें, डेस्कटॉप, और यहाँ पर हमारा मिलेगा CSS लिंक वाली फाइल, ओपन कर लिए। अब नीचे देखिए शो कर रहा है ये अपलोड हो रहा है ऑनलाइन, यहाँ पे परसेंटेज शो, ये अपलोड हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि गूगल ड्राइव में एक नया फोल्डर आप क्रिएट कर लो, दे दिया मैंने यहाँ पर एजुकेशनल डेटा, जितने भी सर्टिफिकेट है उनकी स्कैन कॉपी आप यहाँ पर रख लीजिए, एजुकेशनल डेटा नाम का हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब देखिए लिस्ट में एक फोल्डर हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पे एजुकेशनल डेटा नाम से, ठीक है, यहाँ एक फोल्डर हमारा ये आ गया एजुकेशनल डेटा, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम चाहे न्यू पे जाके क्या करें, फाइल अपलोड करें, या सीधे हम ऐसे फाइलों को पकड़े और ड्रैग करें यहाँ पर लाइन नीचे और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दें, तो इस फोल्डर में हमारी ये फाइल क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा है, ये आ गया। अब इसका बेनिफिट ये है कि आप कहीं पर हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो आपने गूगल ड्राइव पर बैकअप रखा हो उसको आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हो। आप ब्राउज़र ओपन करिए, ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करिए। मेरे लैपटॉप में जीमेल अकाउंट हमारा पहले से लॉगिन है, इसलिए वो यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पूछता है, ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ। तो ईमेल तो आप अपना लॉगिन कर ही सकते हो, बस ये गूगल ड्राइव अगर आपको यूज़ करना है तो जीमेल आईडी होनी चाहिए। यहाँ मैंने क्लिक किया और मैंने क्लिक कर दिया गूगल ड्राइव पर, हमारी ड्राइव का पूरा कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। मेरा फोल्डर कौन था एजुकेशनल डेटा, और देखिए उसमें हमारी फाइल आ गई CSS लिंक। तो ये हमारा ऑनलाइन बैकअप हो गया, इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप कॉपी पेस्ट करके भी बैकअप ले सकते हो, विंडोज़ का बैकअप टूल भी यूज़ कर सकते हो, और ऑनलाइन बैकअप टूल भी आप यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बैकअप क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट्स होता है। ये सेशन फिलहाल हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, थैंक यू।